आज सोचा था कि ट्विटर पे वीडियो बनाऊंगा, पर आज ही के दिन हो गया धोखा। तो वीडियो में बने रहना, पता चलेगा हुआ है क्या प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, शिट। कोई देखो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? हुआ ये कि मुझे परमिशन नहीं मिल पाई ऊपर जाके वीडियो शूट करने की। दिमाग का दही बन गया है, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नाविक रुद्रा। और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये वीडियो है चीफ कुक के बारे में और ये वीडियो है डीएनएस के बारे में। सो होता क्या है ना, जहाज पे कभी कभी परमिशंस नहीं मिल पाती। अगर हम लोग पोर्ट में रहते हैं ना तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, एवरी वीडियो व्हेन आई शूट मैं जाता हूँ कप्तान साहब से परमिशन लेता हूँ, और अगर परमिशन नहीं मिलती तो मैं वीडियो जो है शूट नहीं करता। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सारे वीडियोज जब मैं बनाता हूँ तो काफ़ी मुझे परमिशंस हर एक वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बिना सब्सक्राइब किए नए लोग और बिना लाइक किए जाना नहीं, ठीक है। एंड आई होप आज इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस से भर देंगे हम आपको, जहाज पे ला के खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो जैसा कि आपको पता ही है मैं बनाने वाला हूँ फिटर के ऊपर, ठीक है ना। कि फिटर जानते हो ना, फिटर जहाज पे जो अब जो लोग पहले से ही आईटीआई करके बैठे हुए हैं, देखो ये सारे कमेंट्स है मेरे पास, देख रहे हो, टक 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 टक। बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे। अगर इतने कमेंट नहीं आते तो मैं इस शायद टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता। तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप बताओ कि हम आईटीआई कर चुके हैं, फिटर कैसे बने, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमने अभी डायरेक्टली फिटर में ही ज्वाइन करना हो तो क्या करें, क्योंकि फिटर की सैलरी पता है ना, यस ये इतनी है मेरे जहाज पे, पढ़ो इसको जूम करके पढ़ो, ठीक है ना। तो इतनी सैलरी है, ठीक है। अब ये सैलरी जो है आपकी हो सकती है कितने दिनों में, मेरे ख्याल से देखो धैर्य पहली बात तो खोनी नहीं चाहिए, धैर्य जो खो देता है ना उसका तो बंटा था, ठीक है। तो फिलहाल मैं हूँ बहुत ही सुंदर जगह पे जिसका नाम है कांडला, और हमारे मोदी जी ने इसका नाम कर दिया है दीन दयाल। मजा आ गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अब मजा आ गया। अब जितने दुनिया के देश के जहाज आएंगे वो इसको कहेंगे दीन दयाल, ठीक है। सो पता नहीं वो वेसल आपको दिख रहा है कि नहीं, पीछे एक वेसल है देख रहे हो वो वाला। आज मैं कितने दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ और जब भी देखता हूँ वो फंसा हुआ वेसल बड़ा बुरा लगता है, बट चलो चलो ये तो थी इधर उधर की बातें, अब जो है कि पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो सैलरी के बारे में मैं कह रहा हूँ ना, ये सैलरी आपकी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा और कितना समय लगेगा वही है, कैसे हम फिटर बन जाए, क्या आपको फिटर में जो है कि पहली बात तो इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है ना। विदाउट इंटरेस्ट कोई भी काम मेहनत होती है, और विद इंटरेस्ट वो काम एंजॉयमेंट होता है। तो आप पहली बात तो अपने अंदर पूछो कि क्या आपको फिटर का काम करने में उन्हें मजा आता है कि नहीं। कटिंग, वेल्डिंग, जानते हो ना ये आर्ट है, मजदूरी नहीं है, ये आर्ट है, नई चीज बना देना, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है ना, मजा लेते हो, तो मैं तो कहता हूँ ये काम कर लो यार। और सैलरी, ओ माय गॉड, देखा ना आपने, इसको एक बार कैलकुलेट करो। और जो मेरी वो वाली वीडियो है ना, करोड़पति जीपी रेटिंग से करोड़पति कैसे बने, थोड़ा जाओ उस पर मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है, तो उस पर आप देखोगे तो मैंने बताया कि कैसे करोड़ों रुपया बनाया जा सकता है। और फिटर बन जाओगे तो ये काम तो और भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जीपी से फिटर और पंपमैन ही बनके आप करोड़ों रुपया बना सकते हैं,
ठीक है, धैर्य होना चाहिए और जो है वो सब मैंने उसमें बताया, एक बार जाके उस वीडियो को भी देखिएगा। पैसा ही पैसा होगा। और उसके बाद कमेंट करिएगा, कमेंट करना भूलना नहीं, जय हिंद लिखना जरूरी है। अगर लास्ट में ये वीडियो पसंद आई ना, मजा आ गया, तो कमेंट में जाके जय हिंद तो जरूर लिखना। ये मत सोचना बाकी लोग लिख रहे हैं तो मैं नहीं लिखूंगा, एक साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो जय हिंद लिखना पड़ेगा। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, होता ये है कि फिटर बनने के लिए ना दो तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका ये है कि आप जीपी रेटिंग करो, आप एक्सपीरियंस जमा करो। आपको पहले से कुछ खास नहीं भी आता होगा तो आप जब जीपी रेटिंग करके ट्रेनी ओएस ओएस ऐसे करके जब आओगे ना, तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, कंपनी आपको जहाज पे ही एक्सपीरियंस देती रहेगी, आप नया नया काम सीखते रहोगे। बल्क कैरियर्स पे हो, टैंकर्स पे हो, देखो फिटर का ज्यादातर काम बल्क कैरियर्स पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्या काम होता है क्या नहीं होता है मैं उसके लिए नहीं बता, ये वीडियो उसके लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि फिटर बने कैसे, ठीक है ना। क्योंकि एक एक टॉपिक को अगर आप बात करने लगे ना, तो ये तो वीडियो है, अगर मैं आपके सामने बैठ के बात करूं तो घंटा निकल जाएगा। तो घंटे भर की चीज आप चाहोगे कि 15 मिनट में देख भी ले, वो भी भगा भगा के, तो माफ करिएगा। अगर एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो ये भगा भगा के देखने वाला काम तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो मैं जैसा कि कह रहा था, अब आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, फिटर बनने के दो ही तरीके हैं। अगर कोई वीडियो में बता रहा है ना 3-4-5 अलग ऐसे ऐसे बन जाएंगे, बेवकूफ बना रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, ठीक है। तो करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीका, बेसिक तरीका जो मैं अभी बता रहा था कि आप जीपी रेटिंग करके ओएस ट्रेनी ओएस जो भी करके, एक जो सिंपल तरीका होता है ना, ए बी बनोगे, ये वो सब नहीं करना होता है। फिटर बनने में ट्रेनी ओएस के बाद आप जो है कि डेक फिटर के लिए कर सकते हो। ट्रेनी फिटर में आप कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस थिंग, तो वो आपको ट्रेनी फिटर में डालेंगे, ठीक है ना, जीपी के बाद ही डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन इंजन रूम में हो तो फिटर के बनने के चांसेस, ये जैसे टैंकर वगैरह में बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। तो होता क्या है, एक ये तरीका हो गया विथ एक्सपीरियंस आप जो बनते हो। लेकिन जो आप लोग ज्यादातर लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हो ना, ये लोग वो हैं जो लोग पहले से ही फिटर हैं, यार्ड में काम कर रहे हैं, कहीं लैंड जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे ना ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो फिटर जो बनना चाहते हैं, जहाज पे काम कर रहे हैं, जानते हो शोर पे कितनी सैलरी है, कुछ आइडिया है, मैं बताता हूँ, 20-25-30 हजार, जहाँ बहुत अच्छा मिलता है 30,000-35,000 मिल रहा है। अब आप बताओ कहाँ 30,000, कहाँ, मैंने अभी आपको जो दिखाया अपना एक जहाज दिखाता हूँ, देख रहे हो ये जहाज जगप्रीति, इसका हो गया था एक्सीडेंट पर एक कोलिजन है, हम लोग एंकर पे थे, उसका एक छोटा वीडियो भी है, ये देख उसमें क्या हुआ था, मैं बड़ा जवान था, ठीक है। जहाज का हो गया कोलिजन, सबसे बड़ी बात आजकल के जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, छोटा छोटा सा कुछ भी काम रहता है तो यार्ड जाना पड़ता है। लेकिन हमारे इंडियन फिटर्स ऐसे थे कि जो जहाज को यार्ड पे बिना ले गए, ये पूरा का पूरा जो आप एरिया देख रहे हो ना, सब काट पीट के सब मस्त कर दिया। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये अपनी कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिटर हैं, जो यार्ड वाले हैं, अरे यार उनका हाथ जो है ना मक्खन है, कुछ भी उनके हाथ से ना वो आर्ट करते हैं यार, काटना हो, वेल्ड करना हो, कोई भी लोहे को ऐसे तोड़ मरोड़ के ना अपना अपने हिसाब से शेप दे देते हैं। तो अब ऐसे लोगों को ना जहाज पे काम सीखने की जरूरत नहीं है, उनको काम आता है, बस उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी ओपन सीडीसी वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने डाली है, तो वो जाके देखो, ठीक है, आपको पता चलेगा कि कैसे जो एग्जिस्टिंग फिटर है वो कैसे ओपन सीडीसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग फिटर्स है ना, फिटर्स वेल्डर्स कटर्स जो भी है, ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग यहाँ से निकालेंगे ओपन सीडीसी, एंड देन वो लोग कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं।
थोड़ा मोड़ा पैसा वैसा एजेंट वेजेंट को अगर खिलाना पड़े, अगर जल्दीबाजी में हो तो कर लो, नहीं तो नौकरी खोजो। मैं तो ये कहूंगा नौकरी खोजो। आज के टाइम पे ना ये कोविड के सिचुएशन में बहुत जॉब्स है यार, बस सही जगह पे सही समय पे होना जरूरी है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप सही तरीके से जाना चाहते हो तो एक इंस्टीट्यूट है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैंने उसी में वो जगप्रीति जो बताया ना उसी में किया था। ग्रेट ईस्टर्न वाले इंस्टीट्यूट में जाओ और वहां पे क्या करो, फोन करके पहले ही पूछ लो कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरा एक्सपीरियंस है, इस यार्ड में इतने साल काम किया है या वो किया है या लैंड में इतना एक्सपीरियंस है या नहीं है। इंस्टीट्यूट में आप पहले ही, आपको फिटर ही बनना है ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है बट यू हैव इंटरेस्ट इन दैट, तो आप उनको बताओ कि क्या क्या है। मैं देखो ये लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ग्रेट ईस्टर्न का, और भी लिंक्स है, आप देखो जाके एक बार। माय प्रीफर्ड जो है वो है ग्रेट ईस्टर्न, सो आप जाइए उसका, उस पर कॉल करिए, आप उनको अपना इंटरेस्ट बताइए। और बड़ी बात क्या है ना कि उनकी खुद के जहाज है, उनका खुद का इंस्टीट्यूट है, 2-4-5% ज्यादा भी ले रहे हैं ना तो नौकरी मिल जाएगी भाई। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि फिर नौकरी खोजते कि उससे फिर एजेंट को 2-4 लाख रुपए दोगे फिर बताओ कितना कितना भारी पड़ेगा। तो ग्रेट ईस्टर्न जो है ना बेस्ट चीज है, एंग्लो में भी है, पता नहीं क्यों मेरा तो दिल ही टूट गया एंग्लो से, लेकिन मेरा दिल टूट गया बहुत ही उसके कारण है, छोड़ो। ग्रेट ईस्टर्न इज नंबर वन, अपना देश का कंपनी है, उसके साथ जाइए, और ऐसा नहीं कि देश का कंपनी है, नंबर वन है यार, ठीक है, उसमें कॉल करिए और उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है अपने हिसाब का, आपके हिसाब का, समझ रहे हो ना। अब जैसे मैंने बताया आप पहले से फिटर हो, जैसा मैंने बताया कि आप अगर कुछ भी नहीं आपको एक्सपीरियंस है बट इंटरेस्ट है, तो ये सारी बातें उनको एक बार बताओ। और वो इंस्टीट्यूट है वो तो लोग खोज रहे हैं यार कि कौन हमारे यहाँ आए और करे कोर्स, ठीक है ना। तो ये करो, देखो वीडियो हो रही जा रही है लंबी, ठीक है ना, मैं ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूँ। आई होप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली चुकी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके पास इंस्टीट्यूट, आपके पास पहले से नॉलेज है फिटर का, इंटरेस्ट है, बहुत ही अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, ओपन CDC एक ऑप्शन है, मैं तो कहता हूँ अगर पहले से एक्सपीरियंस है तो ओपन CDC निकालो, ठीक है, पहले से एक्सपीरियंस इन द सेंस नॉट लाइक कहीं पे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो निकाल लो, 6G ये जी वो जी एक्सरे ये सारा पास वास कर लिए हो ना तो निकाल लो एक ओपन CDC। STCW करना पड़ेगा, वो जो मैंने बताया ना, वीडियो जाके देखो, ओपन CDC निकालने के लिए STCW करके निकाल लो, और उसके बाद एक अच्छा सा एजेंट पकड़ो, एजेंट को ऐसा पकड़ो कि जो फिर से आप जा सको, समझ रहे हो, दूसरी बार उसको पैसा ना देना पड़े, ठीक है। और एजेंट को पैसे कैसे देने उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, है वो भी एक ना, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया रुद्र भाई बताओ कैसे, मतलब एजेंट को कोई नाम बता दो। देखो मैं कैसे बता दूं एजेंट का नाम, ठीक है ना, एजेंट का नाम जानता तो हूँ लेकिन मैं कैसे बता दूं, मैं खुद ही 10-12 साल से मैंने किसी को पैसे ही नहीं दिए, तो अब वो जब था तब था, है ना, और पैसे का रिस्क मैं कैसे ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये तरीका बता सकता हूँ कि कैसे पैसे देने चाहिए ताकि आप फंसो ना, आपका पैसा ना डूबे। अगेन फिर से ये वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ, देखो गरीबी से आया हूँ, गरीब हूँ, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। बैंक में ना मेरे इस जहाज से जितने पैसे है ना उसको छोड़ के कुछ नहीं है, एंड मुझे इसकी शर्म नहीं है बताने में, कोई बात नहीं है, कुछ कारण से पैसे चले गए, फिर कमा लेंगे यार, हिम्मत होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए शरीर पे, है कि नहीं, खुशी है, बहुत खुशी है मेरे शरीर में, अंदर से खुश हूँ मैं, मतलब अभी तो मेरा साइन ऑफ होने वाला है, बेटे से मिलने जा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। सो मैं, अगर कोई क्वेश्चंस आपके होना तो कमेंट्स में जरूर जाके लिखना, ठीक है, और याद रखना नाविक रुद्र ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का जवाब देता है। मुझे अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, थोड़ी भी, तो एक जय हिंद तो लिख ही देना यार, ठीक है ना। जब भी ये वीडियो देख रहे हो मैं, याद रखना मैं ये कमेंट्स पढ़ता हूँ। साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत।